नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले इस बार कैसे टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, जो हर की पौड़ी की तरफ गंगा जी का रास्ता जो जाता है, जो बड़ी गंगा नहर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सप्तऋषि सामने है। यहाँ पर गंगा जी का जो बंदा है भागीरथी बिंदु, यहाँ पर काम चल रहा है, जिसके कारण अभी आपने देखा भी होगा कांवड़ मेले में जो जल नहीं था, जल जो कम था हर की पौड़ी वाली गंगा जी में, वो उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगभग सैकड़ों ब्लॉक्स यहाँ पर कास्टिंग करी जा रही है साइड पे ही। हाँ, मैं आपको आज एक एक करके तरीके से बताऊंगा, कैमरामैन को भी कहूंगा। थोड़ा पहले तो आपको बता दूं कि जो भागीरथी बिंदु है वो क्या है। ये आप देख सकते हैं एक सामने उस तरफ पत्थरों से चिनाई करके कॉन्क्रीट भर के बनाया गया है, और दूसरी तरफ जिस पर हम खड़े हैं यहाँ पर ये बंदा बनाया गया है। उसके बीच में से जो पानी का फ्लो है वो जाता है। जब भी यहाँ पर बाढ़ आती थी तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी, उसको मैं आपसे रूबरू करा दूँ। आप सामने देख सकते हैं उसकी जो बेसमेंट है उस वाले बंदे का, वो कट गया है। पानी का जो फ्लो होता है बारिश के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने केदारनाथ वाली आपदा में देखा होगा, और अभी हाल ही में भी आपदा आ गई थी, इसी साल भयानक बारिश हुई थी 2-3 दिन, तो वहाँ से उसके पत्थर जो है वो उखड़ गए हैं फ्लो के कारण। तो इसलिए उसको सेव करने के लिए, और बाकी अगर मैं आपको आगे का एरिया दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो गंगा जी है हर की पौड़ी की तरफ जाती है, ये इसका जो पानी है वो इस समय रोक भी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर इसको इससे जो सटे हुए इलाके हैं वो सारी बस्तियाँ हैं, रिहायशी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा घनत्व वाला इलाका है, लोग बहुत रहते हैं। अगर ये यहाँ से मान लो इन फ्यूचर फ्लो आया, फ्लड आया, ये अगर बह गया तो इस को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है पानी के फ्लो को, तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर जनहानि का जनता का यहाँ पर हो जाएगा, उनके जो घर हैं वो बह जाएंगे। मैं आपको आइए आगे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप काम करने के लिए जो मोटर है वो लगाई गई है, पानी वहाँ से भी निकाल रहे हैं क्योंकि जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं शटरिंग पड़ी हुई है, लगभग ये 1.5 से 2 मीटर के ब्लॉक्स हैं, और इसकी जो शटरिंग की हाइट आप देख रहे हैं ये भी लगभग 1.5 मीटर की हाइट है। तो इतने बड़े बड़े एक ब्लॉक शायद वहाँ पड़ा भी है, जूम करके मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वहाँ ऐसे ब्लॉक्स ये बनेंगे, और ऐसे ब्लॉक्स बनने के बाद इनको साइड पे ही कास्ट किया जा रहा है। वो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वहाँ ब्लॉक्स कास्ट किए जा रहे हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो देखिए आप नीचे, यहाँ से आप देख सकते हैं जो दरार है काफ़ी ज़्यादा, इसके बीच में गैप आ गया है पत्थरों के बीच में, इसको रोकने के लिए ताकि ये सेफ रहे, सेफ्टी के प्रिकॉशंस लेने के लिए यहाँ पर ये काम जारी है। जैसे आप वो ब्लॉक्स मेरे सामने वहाँ देख सकते हैं, वो ब्लॉक्स वहाँ पहले पड़े हुए हैं, लेकिन वो पानी का बहाव इतना तेज़ था कि सारे ब्लॉक्स उखड़ गए हैं। उसके लिए दोबारा यूपी सिंचाई विभाग, जो जानकारी मिल रही है, यूपी सिंचाई विभाग यहाँ पर जो है कार्य कर रहा है और कार्य निरंतर जारी है। वो सामने भी आप देख सकते हैं वो जो वॉल है वो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो वो वॉल है वो उखड़ गई है पानी का फ्लो, जो भी हाल ही में 2-3 दिन की बारिश हुई थी उसके कारण। ये प्रशासन ने भी फैसला लिया गया कि इस पर काम तेज़ी से करा जाए क्योंकि जो आने वाले दिन हैं वहाँ पर बारिश होगी, और उसके बाद बारिश के समय पर ये काम नहीं हो सकता है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ होता है पहाड़ों से जो पानी पड़ता है कि यहाँ पर उसको रोकना कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको दिखा दूँ, JCB यहाँ पर नीचे खड़ी है, JCB तो कंपनी की है, उसको बुलडोज़र कहते हैं। बुलडोज़र से पहले ये आपका जो सामने रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़ी गंगा है गहरे भी बहुत है, कई ज़्यादा लोग यहाँ बह भी जाते हैं, डूब जाते हैं, तो उधर देख सकते हैं आप बुलडोज़र खड़ा हुआ है उस साइड, उससे ये जो रास्ता दिख रहा है पानी को डाइवर्ट किया गया है बड़ी वाली गंगा जी की तरफ, जो चंडी घाट की तरफ जा रही है, और उसके बाद यहाँ पर साइड पर नीचे लेवल करके ब्लॉक्स डालने का काम, क्योंकि आप मशीन भी देख सकते हैं पीछे एक लेवल मशीन खड़ी थी, उसका काम ये होता है कि आपके जितने भी ब्लॉक्स होंगे सारे एक लेवल से इस समय आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका लेवल मेंटेन किया गया है। जो इसकी फाउंडेशन का टॉप है जिस पर हम खड़े हैं वही ब्लॉक्स के टॉप का लेवल है। तो यही ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाने गया था, अभी नीचे जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जो बंदा था वो बारिश के फ्लो से कट रखा है। तो दोस्तों हम पहले ऊपर थे, अब आप नीचे आ गए हैं, ग्राउंड पे सीधा उतर गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि काम किस तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो धारा है नील धारा की तरफ जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर ब्लॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर इनकी चौड़ाई है ब्लॉक्स की, और 1 से 1.5 मीटर इनकी हाइट से आप देख सकते हैं जो शटरिंग है, ये शटरिंग यहाँ पर लगाई गई है, और इसमें अब जो है वो कंक्रीट, जैसे आप इस शटरिंग को देख रहे हैं, इसमें कंक्रीट डाल दी गई, पहले मसाला तैयार किया जाता है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं वहाँ जो वर्कर हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो यहाँ पर काम करते हैं, देख सकते हैं गम बूट्स वगैरह उन्होंने पहन रखे हैं, ये कंक्रीट बनाते हैं, सीधा ला के इसमें डाल देते हैं। उसके बाद जब ये भर जाता है पूरा तो अगला ब्लॉक तैयार किया जाता है, और ब्लॉक तैयार होने के बाद
ये जो शटरिंग है ये दो दिन से लगभग एक तो कि 24 घंटे इसका सेटल टाइम होता है कॉन्क्रीट का, मिनिमम 10 आवर्स जो होता है कॉन्क्रीट का वो सेटल टाइम होता है ना। तो उसके बाद इसको खोल दिया जाता है शटरिंग को, तो ऐसा ब्लॉक्स आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है। और ये क्यों किया जा रहा है इसका भी मैं आपको एक कारण बता देता हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये दोनों तरफ देख सकते हैं भागीरथी बिंदु जो है वो बारिश में फ्लो में ये कट गया था, क्योंकि कजाना टॉले टाइम से ही इस पर काम मरम्मत हुई बीच बीच में, लेकिन इतना सेफ ये अब नहीं रहेगा था। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्निकल रिपोर्टिंग हरी टीवी ग्राउंड जीरो में आपके लिए करता है, और आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरा में देख सकते हैं जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ वो देखिए आप। इसकी जो बेसमेंट था जो ये पत्थर भर के पिचिंग इसकी जो कॉन्क्रीट से करी गई थी वो यहाँ पर बारिश के फ्लो में बह गई थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो ब्लॉक इसको कह रहे हैं स्ट्रक्चर जो है ये पत्थरों का स्टोन का वो खतरे में आ गया था। आप देख सकते हैं फिर दोबारा से पत्थर लगाकर और उसके बीच में कंक्रीट भरकर उसको दोबारा पैक किया जा रहा है, मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ पर किया जा रहा है। आगे मैं आपको दिखाऊँ तो वो पोकलेन, उसको पोकलेन बोलते हैं, ये जो मशीन होती है जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसका एक मुख्य कारण ये भी होता है, नीचे आप देख सकते हैं उसमें चेन है। चेन इसलिए होती है क्योंकि ये 360 डिग्री एक तो मूवेबल मशीन है, 360 डिग्री पे घूम जाती है, और चेन इसलिए इसमें होती है क्योंकि ये कीचड़ में कहीं भी सूखी मिट्टी में या किसी भी तरीके से निकलने में सक्षम होती है, कितनी भी गहरी खाई हो वहाँ से अपना रास्ता बनाने में खुद निकल जाती है। और जो मैंने आपको बुलडोज़र दिखाया था, बुलडोज़र भी दूसरी तरह मैं आपको दिखा दूँ, आइए, उससे ये काफ़ी ज़्यादा मशीन यूज़ की जाती है ऐसे कामों में, क्योंकि इसका जो खोदने का टाइमिंग होती है बकेट जो इसकी होती है वो भी ज़्यादा, एक बारी में जो खुदाई का मटेरियल होती है वो निकालती है, और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा कि ये किसी भी जगह जा सकती है इजी आराम से, वो आप देख सकते हैं बुलडोज़र उधर खड़ा हुआ है उधर, और इसको देख सकते हैं यहाँ पर आप जो ये एक मशीन आपको और दिखा दूँ, सिविल में इसको बोलते हैं ऑटो लेवल, ये देख सकते हैं उसको, ये ट्राईपॉड स्टैंड होता है और इसको सेट करके यहाँ पर, और इसके बीच में मैं आपको मशीन भी खोल कर दिखा दूँ, ये होता है इसका ऑटो लेवल, इसको इस पे लगा के ऊपर ऐसे सेट करके, ये होता है इसका आई पीस, इसको बोलते हैं आई पीस, और इधर से ऑब्जेक्ट पीस, ये ऑब्जेक्ट को देखता है। तो और इसमें जो लेवल कैसे चेक किया जाता है मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप बबल देख रहे हैं ये सेंटर पे लाना पड़ता है तब जाके इसकी लेवलिंग होती है। उसके बाद जब इसको मशीन पर लगा देते हैं तो आपने कई जगह देखा भी होगा कि जो इंजीनियर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये होता है स्टाफ। अब जैसे मैंने यहाँ पर मशीन लगाई और मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया, और इस पे जो है ये सेंटीमीटर के हिसाब से रीडिंग पड़ी हुई है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो ये है पूरा एक मीटर, यहाँ आप देख सकते हैं एक मीटर या 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये 5-5 mm की लाइन होती है वाइट और काले कलर की, तो ये लगभग 1 मीटर 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर जाके 110 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके यहाँ मान लो मेरे को मशीन लगी वहाँ पे और मैंने मेरे को यहाँ का लेवल चाहिए तो मैं इस तरीके से इसका लेवल ले सकता हूँ। तो ऐसे ग्राउंड जीरो पे मैं आपको ये कवर करने के लिए दिखाने के लिए आया था, आपको टेक्निकल रिपोर्ट करके दिखा रहा था। लेबर मेरे पीछे देख सकते हैं, वर्कर जो है काम करते हैं, क्योंकि इस समय गंगा जी में जो जल स्तर है वो भी काफ़ी कम है और बारिश का टाइम भी इस समय नहीं है, तो देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लोरी मिक्सचर भी आ गया है। फ्लोरी मिक्सचर जो है वो कंक्रीट यहाँ पर लेके आता है, इसकी भी मैं आपको एक खासियत बता दूँ, ये इसमें एक सेल्फ कंक्रीट भी बना सकता है और कंक्रीट बाहर से लेके भी आ सकता है, इसलिए ऐसी साइट्स पर ये जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो ग्राउंड जीरो पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए पहुँचा था, अभी मैं आपको एक ऐसा बोर्ड भी दिखाऊंगा कि ये कब जो हमारा जो भागीरथी बिंदु है किस तरीके से इसकी ड्राइंग है, कितनी मीटर इसकी चौड़ाई है, क्या इसकी डेप्थ है, वो पर मैं आपको भी अगली अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूं कि ये जो भागीरथी बिंदु इसको क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है, स्थानीय लोग इसको बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लोग व्यायाम भी करते हैं, कुछ खेलते भी हैं, कुछ टहलते भी हैं। हम यहाँ पर ऊपर आ गए हैं क्योंकि जो इसका स्थापना हुई थी वो उत्तर प्रदेश सरकार में हुई थी, ये निर्माण इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर है उससे लिखा भी हुआ है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, पुराना आपूर्ति करने का लोकार्पण जो था वो सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री ने किया था, ओम प्रकाश सिंह जो उस समय के मंत्री थे। और आप देख सकते हैं कि इसकी परिकल्पना एवं निर्माण जो है वो अधिशासी अभियंताओं का नाम यहाँ पर अभियंताओं के यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं भागीरथी बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है, इसको भागीरथ बिंदु बोला जाता है। 1998 में ये जो है वो यहाँ पर बना था, उसका लोकार्पण हुआ था, और आपको यहाँ देख सकते हैं अनुसंधान एवं शोध जो जिन्होंने रिसर्च, क्योंकि कोई भी जो सिविल का प्रोजेक्ट होता है मैं आपको बता दूँ उसमें पहले रिसर्च होती है, रिसर्च
उसमें किस किस चीज़ की होती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ संक्षिप्त में। एक तो जो मिट्टी है उसका सॉइल टेस्ट होता है जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होते हैं, उसके बाद उसमें कई तरीके के टेस्ट होते हैं कि कौन सी ग्रेड की कंक्रीट यहाँ लगनी है, कितना उसकी शेड्यूलिंग होती है प्रोजेक्ट की, कितना दिन में और कितने हमें समय में इसको पूरा करना है, वो आप देख सकते हैं। उसी की जो रिसर्च की टीम है वो यहाँ पर, जो एन के जैन थे वो यहाँ पर थे, अनुबंध अधिशासी अभियंता और निर्माण एजेंसी यहाँ पर लिखी गई है रुड़की की, तमाम यहाँ पर डिटेल्स यहाँ दी गई है। मैं आपको इसकी अंत में सेक्शनल डिटेल दिखा दूँ, जो ये भागीरथी बिंदु है इसकी, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो अगर डिस्चार्ज कंट्रोल ऑफ ओएससी यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टोन मेजनरी जो मैंने आपको स्टोन मेजनरी दिखाई जो उखड़ गई है फ्लो के कारण, वो आप देख सकते हैं। ये स्टोन की मेजनरी है जो नीचे मैंने आपको दिखाई थी, ये बाहर वाली जो फेस है वो स्टोन मेजनरी इसको कहते हैं, और जो उसके पीछे ब्लॉक्स हैं वो उनका साइज़ है 2 मीटर बाय 2 मीटर के, उसके अंदर उसके जो स्टोन मेजनरी मैंने आपको दिखाई थी सामने आप देख भी सकते हैं। अगर मैं आपको यहीं से दिखाना चाहूँ तो सामने आप जो पत्थर अभी हम नीचे आपको दिखाना चाह रहे हैं जो उखड़ गए हैं उसे स्टोन मेजनरी बोलते हैं। उसके पीछे 2 बाय 2 मीटर के ब्लॉक्स लगे हुए हैं जैसा यहाँ पर सेक्शनल व्यू में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, और नीचे इसकी डिस्चार्ज डिटेल लिखी गई है कि इस टाइम पर इतना इतना डिस्चार्ज डिटेल इसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया तो जो हमारा आगे का जो रिहायशी इलाका है वो उसको बहने का खतरा हो जाएगा, काफ़ी नुकसान उससे हो सकता है। तो ग्राउंड जीरो पर खास कवरेज के लिए, टेक्निकल रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर इस काम को दिखाने के लिए मौजूद था। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।